हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर हम आपने हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो किया था तो आज हमें कोई एंट्री नहीं मिली, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ये परफेक्ट लेवल्स जो एंट्री के मैं आपको देता हूँ, इसके अंदर हमें यही समझ आता है कि बहुत बार हम साइडवेज मार्केट से, इन लेवल्स से बच गए। साइडवेज मार्केट में हमने एंट्री ली ही नहीं है। एक ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बड़ा एनिमी जो होता है वो होता है साइडवेज मार्केट, और उसे हम अगर डिफेंड कर लेते हैं तो हम काफ़ी लॉसेस से बच जाते हैं। साइडवेज मार्केट में मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स लॉस ही करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज आपने हमारे दिए गए लेवल्स को अच्छे से फॉलो किया होगा और कोई ट्रेड नहीं किया होगा, बिकॉज नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। अगर आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो आपका बेल आइकन दबा के रखिएगा हमारे चैनल का, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो पे मिस आउट ना कर दो, आप वो अपॉर्चुनिटी पे मिस आउट ना कर दो। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आज हमें क्या देखने मिला। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में जैसे खोलता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी में। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट इसे रिस्पेक्ट करते हुए नीचे स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बेरिश नहीं हुआ है। मार्केट का जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है अभी भी वो बेरिश नहीं हुआ है। अभी तक वो साइंस ऑफ बुलिशनेस है मार्केट में, दो उसने जो एक करेक्शन लिया है यहाँ पे, एक फ्लैग एंड पोल टाइप बनाया है पैटर्न, इसका ना हमें ब्रेक डाउन मिला है ना हमें ब्रेक आउट मिला है। तो मार्केट एक चैनल के अंदर ही मूव कर रहा है अभी। ठीक है, तो हमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा, जब भी हम कोई ट्रेड ले हम ज़्यादा बेरिश भी नहीं हो सकते मार्केट्स में, ना हम ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3 दिन से मार्केट इसी जोन के अंदर साइडवेज रहा है। तो यहीं पे 3 दिन से मार्केट घूम रहा है, तो ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। ये प्रॉपरली ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं वो लोग यहाँ पे पैसा बना दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के हमारे लेवल्स जो है वही हमारे लेवल्स कल के लिए भी एक्टिव हो गए, क्योंकि दोनों साइड एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। मार्केट ने कहीं ना कहीं वही क्लोज दिया है जहां से उसने स्टार्ट किया था, वो एक रेंज के अंदर ही था, और वही लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कल इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए देखते हैं वो लेवल्स क्या थे। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जैसे ही खोलता हूँ, मैंने आपको बताया ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मार्केट जब ऊपर अप ट्रेंड में जाएगा, हमारी एंट्री ये ट्रेंड लाइन के बाद ही होगी जो मुझे चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। ये एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बहुत बढ़िया बढ़िया नीचे के डाउन साइड के मूव्स दिए हैं उसने। ठीक है, तो मे बी मार्केट यहाँ पे आके एक डाउन साइड ट्रिगर करके हमारे ये तीनों टारगेट्स नीचे के अचीव करवा दे एंट्री से। और अगर ये अपसाइड में जाता है तो हमें प्रॉपर ब्रेकआउट का भी टाइम मिलेगा हमारे एंट्री से। वो एक बार रिजेक्शन लेके फिर ब्रेकआउट करेगा और फिर हमें अपसाइड के लिए एंट्री मिल सकती है हमारे ये 3 टारगेट्स अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी कल के लिए। तो काफ़ी लोगों ने हमें कहा है कि वीडियोज़ के अंदर स्ट्राइक प्राइस भी हम शेयर कर दें आपके साथ। तो स्ट्राइक प्राइस कभी भी हम जो रखेंगे, हमारी एंट्री कभी भी स्पॉट पे होगी और टारगेट्स भी जो स्पॉट पे मैं देता हूँ वही होंगे। मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दूंगा जो एट दैट टाइम अपसाइड या डाउनसाइड में आपको लेना है। तो आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस लेना है? जब आप अपसाइड के लिए एंट्री कर रहे हो 19,533 पे, तो आपको कॉल लेना है 19,000, आपको कॉल लेना है 19,500 का कॉल सी जो करंट वीक की एक्सपायरी हो। आज हमारी एक एक्सपायरी खत्म हो गई, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी जो है उस एक्सपायरी के डेट का आपको कॉल लेना है, जब भी हमें अपसाइड में विद प्रॉपर प्राइस एक्शन एंट्री मिल जाए। और मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमारी एंट्री क्रॉस होती है, हम एक रीटेस्ट कैसे होता है, रीटेस्ट का भी मैंने आपको तरीका बताया। रीटेस्ट के बाद जब वो स्विंग, वही कैंडल का वो जब स्विंग हाई ब्रेक कर देगा, मतलब वही कैंडल का वो हाई ब्रेक कर देगा रीटेस्ट कैंडल का, तभी हम एंटर कर लेंगे ट्रेड में। ठीक है, और हमारा पहला टारगेट जैसे ही अचीव हो जाएगा तो हम हमारा 50% क्वांटिटीज, 50% क्वांटिटीज हमारी हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी जो 50% है,
आप वो सेकेंड टारगेट के लिए लेके जा सकते हो अपनी एंट्री पे स्टॉप लॉस रख के, स्टॉप लॉस को आप एंट्री पे पुश करके आप सेकेंड टारगेट के लिए जा सकते हो, और सेकेंड टारगेट मिलने के बाद आप वेट कर सकते हो कि आप फर्स्ट टारगेट पे अपना एसएल रख के थर्ड टारगेट के लिए जा सकते हो। तो आपको ऐसे ट्रेल करके ही अपनी एंट्रीज ऊपर लेके जानी है, ठीक है? तो ये स्ट्राइक प्राइस कल के लिए जो होगी वो होगी 19,500 का कॉल फॉर अपसाइड, ठीक है? डाउनसाइड में मुझे एंट्री जब मिलेगी विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, मैं एंट्री लूंगा 19,250 के पुट में, मेरी एंट्री होगी 19,250 के पुट में, ठीक है? मैं इस स्ट्राइक पे एंटर करूंगा और इस स्ट्राइक के बाद मैं जाऊंगा मेरे तीनों टारगेट्स के लिए, ठीक है? जो भी मेरे तीनों टारगेट्स है मैं तभी ही, जब ही मैं इस स्ट्राइक प्राइस के साथ ये तीन टारगेट्स के लिए जा सकता हूँ विथ प्रॉपर एंट्री प्राइस एक्शन के साथ, जो मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन रीटेस्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ द स्विंग लो, ठीक है? डाउन साइड के लिए भी मैंने आपको लेवल्स जो है वो दे दिए हैं और कौन सी स्ट्राइक प्राइस को आपको डाउन साइड के लिए एंटर करना है, तो आप ये नोट करके रख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो हमने आज लेवल्स भी आपको दिए थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थे। हमारी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, जैसे हमें लग रहा था कि मार्केट इस जोन के अंदर ज्यादा मूव नहीं करेगा, हमें मोमेंटम मिलेगा अपसाइड या डाउन साइड में हमारे एंट्री पॉइंट्स के बाद ही, तो मैंने आपको वो एंट्री पॉइंट्स ही ऐसे दिए थे कि मार्केट ने उन्हें टच भी नहीं किया और मार्केट पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है, ठीक है? ऑलराइट, चलिए अभी बैंक निफ्टी में जाते हैं और बैंक निफ्टी में देखते हैं हमारा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए क्या होगा। सेम इज द केस इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो हमें तो भी थोड़ा फॉल मिला था, बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा साइडवेज था, बैंक निफ्टी में हमें कोई ज्यादा मूवमेंट मिली ही नहीं है, ना हमारी कोई एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुई है। अगर आप देखेंगे आज हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ 9:15 को ये कैंडल पे, ये कैंडल पे हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ, ये कैंडल के बाद मार्केट हमारे एंट्री से रिजेक्शन लेके वापस डाउन साइड पे आया और हमारे डाउन साइड एंट्री से रिजेक्शन लेके वापस बीच में ही कहीं बंद कर दिया मार्केट ने, ठीक है? तो ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस आप समझ जाओगे कि ये एंट्री पॉइंट्स हम क्यों देते हैं आपको, और ये टारगेट्स का भी यही सेम इंपॉर्टेंस, सेम वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। तो आप ये लेवल्स भी मार्क अगर करके रख देंगे तो आप काफी लॉसेस से बच जाएंगे मार्केट में, आपको काफी एंट्री और एग्जिट्स का आइडिया हो जाएगा जब भी आपको आपके कोई सेटअप में एंट्री मिल जाती है अगर, और अगर ये लेवल्स आ रहे हैं तो आपको वहां पे कॉशियस कर देगा कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो आप अपने ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सेम लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए बैंक निफ्टी में। कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये सेम ही होगा, जो है मेरी एंट्री पॉइंट है ये 44,079 की, टारगेट वन जो मेरा होगा वो होगा 44,259 का, टारगेट टू होगा जो होगा वो 44,413 का, टारगेट थ्री जो होगा वो होगा 44,547 का, और डाउन साइड में मेरी एंट्री होगी 43,731 के नीचे। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 43,583 का, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 43,453 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 43,323 का। ये मेरे तीन टारगेट्स हो गए। अभी हम बात करते हैं कि हम स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेंगे अगर हमें ऊपर, हमें अपसाइड में अगर एंट्री मिल जाती है, हमें अगर अपसाइड में प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एंट्री मिलती है तभी हम एंटर करेंगे, उसके पहले हम एंटर नहीं करेंगे। अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो हम लेंगे 44,000 का कॉल, 44,000 का हम कॉल लेंगे फॉर अपसाइड, और डाउन साइड में मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अगर एंट्री मिलती है तो हम एंटर करेंगे 43,700 के पुट में, ठीक है? 43,700 के पुट में हम एंटर करेंगे अगर मुझे डाउन साइड पे एंट्री मिलती है तो। ऑलराइट, और अप साइड के लिए मेरी एंट्री होगी 44,000 के कॉल पे, ठीक है? उसके पहले ये आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस बता दी, विद प्रॉपर प्राइस एक्शन ही आपको जाना, उसके पहले आपको एंटर नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये है हमारे प्लान ऑफ एक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। देखते हैं कल मार्केट में अगर ये लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। आज जैसे इन लेवल्स को मार्केट ने परफेक्टली रिस्पेक्ट किया है, परफेक्टली मार्केट ने यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट दी है लेवल्स को, तो देखते हैं कल के मार्केट में भी अगर ये लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है मार्केट की, नहीं देता है, और अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देता, हम वो डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में, और एक प्लान ऑफ एक्शन सेट करेंगे फॉर मंडे। तो आपको विद स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको एंट्री और तीन टारगेट्स डाउन साइड अपसाइड बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए दे दी है, तो देखते हैं ये लेवल्स वर्क करते कि नहीं करते मार्केट में, और हम वेट करेंगे कि
इन लेवल्स का हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिले, ठीक है, उसके पहले नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल का मार्केट जो होगा वो थोड़ा ऑलमोस्ट आज के जैसा ही होगा, जहाँ पे हमें कोई बड़े मूव्स कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट साइडवेज जैसा ही कुछ हो सकता है मार्केट। ज्यादा बड़े मूव्स नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से टारगेट 1 तक हमें अचीव करवा देगा अगर एंट्री ट्रिगर होती है तो, और अगर नहीं होती तो मार्केट ये रेंज के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि पास्ट 2 दिन से हमें मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट ही दे रहा है और कल फ्राइडे है, कल वैसे भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता मार्केट में और ना ही हमारा कोई ओआई डेटा क्लियरली हमें दिखता है, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है, कल फ्रेश पोजीशंस बनती है और इतने वॉल्यूम्स नहीं बनते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई बड़ा मूव मंडे के लिए, पर कल के लिए मैं थोड़े छोटे मूव्स ही एक्सपेक्ट करूंगा। तो आप उसी हिसाब से टारगेट्स अपने बुक करते जाइएगा, और हमारा जो टारगेट बुक करने का तरीका है उसमें आप छोटे से बड़े मूव सब प्रॉपरली कैप्चर कर पाओगे, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन कल मार्केट में काम करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं किया, हम ये डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।